एक्सेस में 3 करोड़ पेशेंट्स को, 3 करोड़ लोगों के, 3 करोड़ महीने जो वारियर फंडर वारियर्स है उन लोगों को देने का निर्णय किया है। ये फर्स्ट फेस है, 1 महीने के बाद ये सेकंड डोज भी सभी लोग लेना पड़ेगा। जो आज वैक्सीन देते हैं उनका डेट भी फिक्स करके आज ही उनको हाथ में लेटर देते हैं। 1 महीने के बाद उनको SMS भी आता है, आप घर कौन सा टाइम पे कौन सा प्लेस में फिर वैक्सीनेशन सेकंड डोज लेना है। वैसा अरे भाई टोटल मिलाकर सेकंड डोज लेने के 11 दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होता है। जब तक सभी लोग जागरूक रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जब तक पूरे जो सावधानी है सावधानी बरकरार रखना है। नहीं देते हैं, मैं कृपा करके सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ ये बात ना करें, क्योंकि दुनिया में सभी मेडिसिन सभी दूसरे देशों में जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। हमारे देश में हमारा साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके बनाता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो सभी लोगों को ऐसा दिखते हैं। मैं कृपा करके कोई ऐसा आपको जो अलग अलग जगह पे जो चर्चा करें वो चर्चा ना करें, सभी पूरा ICMR पूरा टेस्ट करके ही उसका अप्रूवल किया है। ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ये वैक्सीन सभी लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, सारी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छे वैक्सीन किधर भी अगर तैयार हुआ है वो भारत में तैयार हुआ है, सारी देश WHO भी इसको अप्रूवल कर रहे हैं। सर हेल्थ वर्कर्स को दिलाना चाहते हैं, देखो आप लोग सर ये अधिकार में है, मिनिस्टर है, MLS है, MP है, आप लोग पहला लिया है, गरीब लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे, डॉक्टर्स को देंगे, इसके बाद सेकंड फेज में अभी 3 करोड़ जनता इस तरह से 60 एज से ज्यादा लोग हैं उनको देंगे, उसके साथ साथ जो लगातार कोई बीमारी रहते हैं वैसे लोगों को भी सेकंड फेज में देंगे। डॉक्टर्स का नहीं, बहुत लोग आज कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे, कोई रूमर्स आम जनता कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं, मेरा से ज्यादा आप लोगों को मालूम है। इतना कम समय में एक चैलेंज के नाते कंपनी भी वैक्सीन को आगे लाए, सरकार भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करके आज पूरे एम्प्लॉयज करोड़ों एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर एक वैक्सीन का देने का शुरुआत प्रारंभ किया है। इतने कम समय में एक चैलेंज के नाते नहीं आए, आज दुनिया में कोई भी देश बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, पॉपुलेशन कम है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा देश में भी कोई देश में भी इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। अपना डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेडिकल का हो, हेल्थ का हो, डॉक्टर्स का हो, पैरामेडिकल का हो, सैनिटेशन बन के बहुत कम रहने के बाद भी आज भारत शुरुआत कार्यक्रम किया है। इसमें सभी लोग राजनीति से हटकर सभी लोग सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर इस वैक्सीन का कार्यक्रम सफल बनाने में आगे आना चाहिए। सर डॉक्टर रेड्डी भी बायोलॉजिकल इवेंट्स भी आगे हैं, रेड्डी लैब्स भी है, तेलंगाना के 2 कंपनी भी आगे हैं, मैं अभी बोल चुका हूँ, जो भी होगा ICMR को उस विषय पर ध्यान देने वाले वो ध्यान देंगे। एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अहम जगह ले रहे हैं, ये वैक्सीन कोविड वैक्सीन नहीं है, दूसरा वैक्सीन भी अलग अलग दूसरा वैक्सीन बच्चों को देते हैं, वो वैक्सीन दुनिया भर में लगभग 160 कंट्रीज को हैदराबाद में प्रोडक्शन करते हैं, वो वैक्सीन दुनिया भर जाती है, हैदराबाद पहले से ही वैक्सीनेशन तैयार में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में फार्मुलेशन में आगे है, अभी भी आगे है, उसमें सारी दुनिया भारत की ओर देख रहे, सारी दुनिया हैदराबाद की ओर देख रहे। थैंक यू सर।